करने वाले 30x35 हाउस प्लान की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं 30x35 फुट पे। और पूरा मॉडल प्रॉपर तरीके से मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर अगर बात करें बारंदे की, वो भी एक स्टाइलिश कर्व शेप में मैंने क्रिएट किया है। और पूरा मॉडल यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किया है 3 स्टोरी है। और यहाँ पर आप जो गांव में खपड़ैल वाला डिज़ाइन होता है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया, गुमटी टाइप का जो आप ऊपर टॉप पर देख रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर स्मॉल हाउस को तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लगातार अपडेटेड वीडियो देख रहे हैं। कल दोस्तों मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, बनाया था कि 1000 स्क्वायर फिट को जो पिलर खड़े इमेज देख रहे हैं, यहाँ तक बनाने में कितना खर्च आता है वो मैंने बताया था। इसका मैं वीडियो कल शाम को दूंगा कि इसमें लेबर और मिस्त्री कितना लगा, लेबर कॉस्ट क्या लगा, मिस्त्री कॉस्ट क्या लगा, कितना समय लगा। तो चलो जो आज का प्लान है उसे हम डिस्कस करते हैं 30x35 फुट में। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, फ्रंट एलिवेशन आपका ये है। सामने से आपको घर ऐसा दिखेगा, सामने से रोड होगा, साइड से ये क्लोज्ड है, देखिएगा 3 साइड क्लोज्ड ये मकान है। और फ्रंट एलिवेशन आपका ये होने वाला है, ये प्रॉपर तरीके से। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिएगा, सबसे पहले स्टेयर्स है जिससे आप बारंदे में जाएंगे। ये बारंदे का छत है जो कि कर्व शेप में, यही आपके घर को एक नया लुक देता है। ये 2 पिलर है तो ये पूरा बारंदा दिख रहा होगा। इसका फ्रंट में विंडो दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक रूम है, तो ये वाला बेडरूम के लिए एक विंडो ये है और एक ये साइड से डोर है, तो ये आपका गेस्ट रूम आप एज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक मैंने विंडो यहाँ दिया क्योंकि इस तरह मैंने किचन क्रिएट किया है। ये मेन डोर है और उसके साइड में 2 ग्लास लगे हैं जो कि विंडो का काम करेंगे और आपका डिज़ाइन का भी काम करते हैं। मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं तो ये आपका पूरा एक लिविंग हॉल टाइप का आता है, जिसमें आपका ये किचन है, ये आपका पूजा घर है, ये एक बड़ा सा बेडरूम है। और इसके बाद इस तरफ भी एक बेडरूम है और ये सामने आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं और उसके नीचे लेटेन बड़ा सा आपको देखने को मिलता है। तो 30x35 में प्रॉपर तरीके से 3 बेडरूम, लिविंग हॉल और एरिया वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जिसमें आपका किचन है, पूजा घर है, लेट बाथ, स्टेयर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको बात करें तो ये बारंदा भी देखने को मिलता है। ये पूरा प्लान जो आपने देखा 30x35 में 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन सा ग्राउंड फ्लोर में जूम करके और दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को और मिल जाए प्रॉपर तरीके से जो आप देख रहे हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर घर बनने वाला है अगर आप इसे बनवाते, इस मॉडल को चूज करते हैं। और बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो पीछे बिल्कुल सिमिलर बेडरूम, पूजा घर, किचन, लेटरिन बाथ, स्टेयर्स, बेडरूम, ये हॉल। आगे वाला जो बारंदा था उसे छोटा मैंने कर दिया है, ये सिर्फ बारंदा आपका बचा, इतना एरिया यहाँ पर कट कर दिया है। और ये किचन को जो विंडो था वो पूरा लगा रहा है, जिससे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। तो ये छोटा सा बारंदा या ऐसे बालकनी बोल सकते हैं मैंने निकाल दिया है, ये वाला एरिया हटा दिया डिजाइनिंग के पर्पज से। और ये गेस्ट रूम था वो भी बिल्कुल सिमिलर आपका बना है, ये सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज से विंडो और ये आपको ऊपर देखने को मिलता है। लास्ट फ्लोर पर मैं अगर जाना चाहूँ तो देखिएगा, ये गुमटी नुमा ऊपर क्रिएट कर दिया, वही गेस्ट रूम को मैंने गुमटी नुमा में कन्वर्ट कर दिया और चारों तरफ रेलिंग और ये आगे स्टील का रेलिंग कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 30x35 फुट में ओवरऑल घर बनकर रेडी हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल में कोई भी घर बनवाना चाहते हैं तो आप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो एक पेड सर्विस होगी, इसका विशेष ध्यान रखें, आपको उसके लिए पैसा देना होता है। तो इस मॉडल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक